नमस्कार प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर एक सौ ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट होने वाली है पांच फरवरी दो की इक्कीस बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे आज हम फिर से समय यानी घड़ी के बारे में पढ़ने वाले हैं लेकिन आज हम क्या देखेंगे आज हम दो तरीके की घड़ी देखेंगे एक होगी 24 फोर आवर क्लॉक यानी जिसमें 24 घंटे तक समय देख सकते हैं और एक घड़ी होगी बारह घंटे की ठीक और देखेंगे कि दोनों आपस में काम कैसे करती हैं हमारी इस वर्कशीट का टाइटल यानी शीर्षक होगा टिक, टिक 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 पार्ट टू तो पार्ट वन हम पहले कर चुके हैं जिसमें हमने समय देखना सीखा था आज हम पार्ट टू करने वाले हैं चलिए देखते हैं क्या लिखा है कि रवि और शीतल भाई बहन हैं दोनों ने शाम को खेलने का प्लान बनाया रवि बोला कि शाम को छह बजे खेलेंगे और शीतल बोले कि अट्ठारह बजकर जीरो मिनट पे खेलेंगे अलग अलग समय को लेकर दोनों सोच में पड़ गए पीछे खड़ी मम्मी उनकी मम्मी दोनों की बातें सुन रही थी उन्होंने बताया कि तुम दोनों एक ही समय की बात कर रहे हो दोनों बच्चों ने पूछा वह कैसे मम्मी मम्मी ने बोला अच्छा तुम दोनों जो भी समय बता रहे हो उसे घड़ी में बनाकर दिखाओ दोनों बच्चों ने घड़ी में अपना अपना समय बताया हुआ समय दिखाया देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि रवि ने बोला कि हम शाम के छह बजे खेलेंगे ठीक है छे पीएम तो छे कैसे दिखाते हैं घड़ी में छोटी घंटे वाली सुई छे पर और फिर जब जीरो मिनट है तो बड़ी वाली सुई मिनट वाली सुई बारह पर तो इसने तो छह ठीक दिखा दिया अब अट्ठारह को शीतल ने कैसे दिखाया है उसने भी इसी तरीके से दिखाया है देखो कि छोटी घंटे वाली घड़ी छः पर और मिनट वाली घड़ी बारह पर ठीक है ये शीतल ने दिखाया अब ये कैसे दिखाया है वो हम बाद में बात करेंगे चलिए फिर वो क्या कह रहा है कि दोनों घड़ियों में एक ही समय था मम्मी ने समझाया कि चौबीस घंटे की घड़ी के हिसाब से शाम छह बजे अट्ठारह होते हैं चौबीस घंटे की घड़ी में दोपहर के बारह बजे के बाद एक पीएम ठीक है जो दोपहर के एक बजते हैं को तेरह ठीक है बारह प्लस एक कहते हैं दो दो बजे क्या होता है दोपहर के को चौदह घंटे कहते हैं इसी प्रकार ग्यारह को तेईस कहते हैं मम्मी ने उन्हें यह भी बताया कि मेट्रो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर भी चौबीस घंटे की घड़ी लगी हुई होती है देखिए आइए एक बार इसको हम समझ लेते हैं हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आई हो ये देखिए यहां पर देखिए जो बीच में घड़ी है ठीक है ये नॉर्मल घड़ी है जो आपके घर पे होती है जब आपका दिन शुरू होता है यानी रात के बारह जब बज जाते हैं तब आपका अगला दिन चालू हो जाता है तब कितना समय होता है तब या तो आप बारह बोलते हैं सुबह के और रात के बारह बजे हैं या फिर जीरो जीरो से जैसे मान लीजिए आपका अगला दिन चालू हो गया तो कितने घंटे हो गए जीरो जीरो अब क्योंकि अभी तो दिन शुरू ही हुआ है तो कुछ भी घंटे नहीं हुए तो जीरो जीरो यहाँ पे देखिए जीरो जीरो से चालू हो गया उसके बाद क्या होता है आपके सुबह के एक बजते हैं देखिए दोपहर के बारह बजे तक ए एम चलता है दोपहर के बारह बजे के बाद पी चलता है ठीक है तो यहाँ पर हम बारह बजे बारह घंटे वाली घड़ी देखेंगे यहाँ पर हम चौबीस घंटे वाली घड़ी देखेंगे ठीक है दोनों में समय कैसे चलता है तो जब सुबह के एक बजते हैं ठीक है तो एक ए एम लिखते हैं वैसे ही चौबीस घंटे वाली घड़ी में भी एक ही लिखेंगे दो दो तीन तीन ऐसे ऐसे चलता रहेगा जब दोपहर के बारह बजते हैं ठीक है तो उसमें जो सुबह बारह घंटे वाली घड़ी होती है उसमें हम क्या लिखते हैं ट्वेल्व पी ठीक है और चौबीस घंटे वाली घड़ी में नून हो जाता है उसमें भी हम ट्वेल्व पी ही ट्वेल्व लिखते हैं सिर्फ ठीक है पीएम नहीं लिखते हैं पी हम तभी ए एम पी, आ पी आ तभी लिखते हैं जब हमारे पास बारह घंटे वाली घड़ी होती है क्योंकि उसमें हमें बताना होता है जैसे मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि छह बजे हैं अब सुबह के छह बजे हैं या शाम के छह बजे हैं ये कैसे पता चलेगा हमें तो जब हमारे पास बारह घंटे वाली घड़ी होती है तो उसमें बताना होता है जैसे अगर सुबह के छह बजे हैं तो हम छे ए लिखेंगे और अगर शाम के छह बजे हैं तो हम उसको छ पीएम लिखेंगे इसलिए जब हमारे पास बारह घंटे वाली घड़ी होती है तो हमें ये बताना पड़ता है कि जो समय हुआ है वो सुबह वाला हुआ है या शाम वाला हुआ है लेकिन चौबीस घंटे वाली घड़ी में हमें ऐसा कुछ नहीं बताना होता क्यों क्योंकि जब सुबह के छः बजते हैं तो उसमें हम छः ही लिखते हैं लेकिन शाम के छः जब बजते हैं तो उसमें हम क्या बताते हैं अट्ठारह ठीक है अब देखिए समय कहाँ पे बदल जाता है जब दोपहर के बारह बज जाते हैं तो दोनों घड़ियाँ चाहे वो बारह घंटे वाली हो या चौबीस घंटे वाली हो बारह ही बताएंगी ठीक है लेकिन जो बारह घंटे वाली घड़ी है उसके बाद क्या बताएगी एक दोबारा से एक बताएगी लेकिन एक अब कौन सा है एक अब पीएम वाला है ठीक है पीएम वाला मतलब कि दोपहर के बाद वाला लेकिन चौबीस घंटे वाली घड़ी में क्या दिखाएंगे बारह के बाद तेरह दिखाएंगे ठीक है वैसे ही बारह घंटे वाली घड़ी में एक के बाद दो पी एम तीन पी एम चार पीएम पांच पीएम छ सात आठ नौ दस ग्यारह और फिर जीरो जीरो आ जाता है ठीक है इस तरीके से चलता है लेकिन चौबीस घंटे वाली घड़ी में क्या चलेगा बारह बजे के बाद क्या आ जाएगा तेरह आ जाएगा चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस और फिर दोबारा से तेईस के बाद चौबीस या जीरो जीरो आ जाएगा ठीक है सिर्फ इतना सा ही फर्क है कि बारह घंटे वाली घड़ी में दोपहर के बारह बजे के बाद दोबारा से एक दो तीन चार चालू हो जाता है लेकिन चौबीस घंटे वाली घड़ी में दोपहर के बारह बजे के बाद तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह ऐसे चलता है ठीक है देखिए आप इस घड़ी में भी देख सकते हैं कि जब यहाँ पर एक बजता है दोपहर का तो चौबीस वाले घंटे वाली घड़ी में कितने बजते हैं तेरह ठीक है दो बजता है तो चौदह तीन बजता है तो पंद्रह फिर सोलह सत्रह और अट्ठारह देखिए यहाँ पर भी हमारी वर्कशीट में यही बात हो रही थी कि एक कह रहा था कि शाम के छह बजे ठीक है और दूसरा कह रहा था कि अट्ठारह बजे देखिए शाम के छह बजे और अठारह ऐसे ही तो बजते हैं अगर हमें यह बताना है कि अट्ठारह बजे हैं तो कितना दिखाएंगे घंटे वाले सुई अट्ठारह पे और मिनट वाली सुई बारह पे तो यही तो हुआ या तो आप ये बोल दो कि शाम के छह बजे हैं या फिर आप ये बोल दो कि अठारह बजे हैं बात एक ही है ठीक है चलिए आगे देखते हैं नीचे कुछ मेट्रो घड़ियों का समय दिया है प्लेटफॉर्म पर लगी चौबीस घंटे की घड़ी में यह समय कैसे दिखाएगी लिखिए देखिए वो कह रहा है कि हमें चौबीस घंटे वाली घड़ी में यह समय कैसे दिखेगा वो हमें बताना है सबसे पहले कि वैशाली से द्वारका सेक्टर इक्कीस तक की आखिरी मेट्रो का समय शाम के यानी रात के ग्यारह बजकर पांच बजे है ठीक है यानी ग्यारह पाँच पी एम देखो जब बारह घंटे वाली घड़ी होती है वो मैंने आपको बताया था ना कि ए एम या पी एम जरूर बताएगी क्योंकि उसको ये बताना होता है कि ये समय सुबह का है या शाम का है ठीक है तो पी एम बता रही है ठीक है रात का समय हो गया ग्यारह पाँच तो इसको हम चौबीस इस, घंटे वाली घड़ी में कैसे दिखाएंगे देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि जब ग्यारह बज जाते हैं तो यानी चौबीस घंटे वाली घड़ी में कितने होंगे तेईस ठीक है तो मिनट तो उतने ही रहेंगे तो इसने क्या दिखाया है तेईस बजकर पाँच मिनट वैसे ही दूसरा देखते हैं कि जहांगीरपुरी से हुडा सिटी सेंटर तक की पहली मेट्रो का समय सुबह के छह बजे है देखो सुबह के छह बजे मैंने क्या बताया था सुबह के छह बजे तो ऐसे ही रहेगा ना जब तक दोपहर के बारह नहीं बज जाते तब तक तो समय सेम ही चलेगा बस ए एम पी एम नहीं लिखते हैं चौबीस घंटे वाली घड़ी में क्योंकि उसमें ए एम पी एम होता ही नहीं है वो तो सीधा चलती रहती है तो इसको हम कैसे लिखेंगे जीरो सिक्स जीरो जीरो बस ऐसे ही लिखेंगे ठीक है फिर क्या है तीसरा रिठाला से दिलशाद गार्डन तक की पहली मेट्रो का समय सुबह पांच बजकर पच्चीस मिनट है ठीक है तो यानी चौबीस घंटे वाली घड़ी में भी ये कितना ही होगा तो सुबह के पांच तो वैसे ही बजेंगे ठीक है फिर क्या है मिजलिस पार्क से शिव विहार तक की आखिरी मेट्रो का समय अब ये देखो रात के नौ बजकर पचपन मिनट ठीक है अब दोपहर के बारह बजे चौबीस घंटे वाली घड़ी में समय बदल जाता है कैसे चलता है रात के नौ बजे कितने होते हैं चौबीस घंटे वाली घड़ी में इक्कीस ठीक है इक्कीस बजकर पचपन मिनट तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे इक्कीस और पचपन मिनट तो ये देखिए इस तरीके से हम चौबीस घंटे वाली घड़ी में समय बता सकते हैं सीधी सी बात है दोपहर के बारह बजे के बाद समय तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस ऐसे चलता है लेकिन जब बारह घंटे वाली घड़ी होती है उसमें सुबह एएम चलता है और फिर दोपहर को बारह बजे के बाद फिर से एक दो तीन चार चालू हो जाता है लेकिन पी के साथ चालू होता है कि आपको समय के साथ पी बताना होता है ताकि ये पता चल जाए कि वो समय सुबह का है या शाम का है ठीक है इसके अलावा आपको क्या करना है आपको अपनी गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पेज नंबर 132 और 133 भी करना है वो भी इसी तरीके से होगा आज की क्लास यहीं खत्म होती है अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कल फिर मिलेंगे कुछ नया सीखेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद